मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट बनने के बाद अब चीता प्रदेश भी बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसको लेकर वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने दक्षिण अफ्रीका सरकार से समझौता किया है कि आने वाले साल में 12 चीते और आएंगे, जिनको रहली के नौरादेही अभ्यारण और मंदसौर के गांधी सागर अभ्यारण में छोड़ा जाएगा, जिसके बाद प्रदेश की पहचान पूरे विश्व में चीता प्रदेश के रूप में हो जाएगी। बहुत बहुत बधाई है सभी को, प्रदेशवासियों को भी। ये 20 हो गए हैं और हमने ऐसा एग्रीमेंट किया है कि अब हर साल साउथ अफ्रीका जैसा देश हर साल हमें 12 चीता और देगा। और खुशखबरी ये भी है कि आने वाले समय में नौरादेही और गांधी सागर में हम लोग चीतों को लेके आएंगे।